दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय मैक्स ग्रुप ऑफ स्कूल्स। देश सहित हिमाचल प्रदेश में भी इन दिनों कुछ लोगों द्वारा अपनी प्राइवेट गाड़ियों को टैक्सी के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें कुछ सोशल मीडिया ऐप भी सवारियां ढूंढने में मददगार साबित हो रही है। लेकिन इस अवैध धंधे से टैक्सी चालकों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। ऐसा ही एक मामला आज छोटी काशी मंडी में देखने को मिला, जहां टैक्सी चालकों ने प्राइवेट गाड़ी में टैक्सी का काम करते हुए चालक को रंगे हाथ पकड़ा। गाड़ी में सवारियां भी मौजूद थी, जिस पर टैक्सी चालकों ने पुलिस को इस मामले की सूचना दी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्राइवेट गाड़ी का चालान काटा है। वहीं देवभूमि टैक्सी यूनियन मंडी ने आपत्ति जताते हुए कहा कि मंडी शहर में इस तरह का अवैध संचालन होना दुर्भाग्यपूर्ण है। आज हमने प्राइवेट गाड़ियों का अब पकड़ने का अभियान शुरू किया हुआ है, और ये जो बला है ये पूरे ऑल ओवर हिमाचल में ऐसे कार्य कर रही है कि प्राइवेट टोटल प्राइवेट गाड़ियाँ हैं, और ये यहाँ से सवारी लेकर के जाते हैं, नीचे से सवारी लेकर के आते हैं। इन्हीं गाड़ियों में जो है ये जो चीटा और भांग का कार्य हो रहा है, इसी के माध्यम से हो रहा है। क्योंकि ऐसा है कि 4,000 रुपये खर्चा गाड़ी का आ रहा है, वो गाड़ी 5,000 में जा रही है आ रही है, तो 1,000 के पीछे कोई काम नहीं करता है। ये 2 नंबर का काम भी यही गाड़ियाँ कर रही है। हमारी सरकार से अनुरोध है कि ये जो प्राइवेट गाड़ी और बला है इसको बंद किया जाए। नीचे सवारी खड़ी हुई थी तो हमने उसको देखा, जब गाड़ी आई गाड़ी बिठाने लगी तो हमने उसको रोका, हमने उसको पूछा जो लड़का गाड़ी में बैठ रहा था, भाई आप कहाँ जा रहे हैं? तो उसने बोला मैंने राइड बुक की हुई है। हमने लड़के ड्राइवर को पूछा, वो बोल रहा है मेरे को अपना काम है, पेशी है, मैं तब जा रहा हूँ। अब पेशी है तो उससे तो हमें लेना देना नहीं है, वो अपना खर्चा निकाल रहा है, जो भी है उससे हमारा लेना देना नहीं है। अब हमारा भी इसमें काम में जो है बिल्कुल बंद है, हमें 1.5-2 महीने हो गए, हमारा कोई काम नहीं चला हुआ है। आजकल सीजन पड़ा हुआ है तो इसमें तो काम चलना चाहिए। अब इन्हीं काम चला हुआ है बला वालों का, तो हमने कहाँ जाना? हमारे तो पेट में लाती लग रही है। दूसरा इसको HRTC से भी घाटा है, HRTC को इसमें इसके ऊपर वो करना चाहिए। बस रेट पे सवारी उठा रही है, बस रेट पे जा रही है सारी सवारियाँ, तो इसमें HRTC को भी वो लेना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए कुछ। अब हमें ही नहीं है टैक्सी वालों को इसमें। हम सरकार से भी, मुख्यमंत्री से, उप मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहते हैं कि इस तरह की गाड़ियों को पकड़ने के लिए स्पेशल फोर्स बनाई जाए RTO के माध्यम से, और इन्हें रोकने का काम किया जाए, ताकि बेरोजगार टैक्सी वालों को कुछ काम मिले, अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। धन्यवाद। दिव्य हिमाचल TV के लिए मंडी से विप्लव सकलानी की रिपोर्ट।